सम्मान करना है आज ही फिर जिनका बहुत ही मतलब प्रभुत्व है शास्त्र के ऊपर, ऐसे भगवाना साहेब परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय मंत श्री मुरारी भाई बाबा जी को बांटे, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वह आ जाए। शायद सूचना को आपका ध्यान नहीं होगा या पता नहीं होगा, मेरी बात जोड़कर प्रार्थना है, केवल 10 मिनट का ही समय सबके लिए अनुवाद दिया है। चेरे चारु तरु प्रशोभित वने मांसाति भारम महन वाचा शंबुलि शंबुलीति वितरण पीयूष वर्षन प्रभो निशेषम शमयन लर्क नृपते तापस्त्रयम् लीलया तम दत्तम प्रणमे समस्त विदुषा मीशं गुणानां निधिं जो वेद तर्क चतुरागम योग शास्त्रा षड दर्शना गिवसिता नकले परात्मा तो के विमी मतिलवाल्प विवेक अंशे वर्णीन सर्व विषया कुल कर्म सत्तो नागार्जुनाचा स्वामी जरिये कवे तरी जीवे सिधरुणी ठाकता के वेला ही ना सोड़िता श्री चरण तयाजे भगवान श्री चक्रधर स्वामी की। हम इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन देखिए विडंबना कि हमारी जीवा से प्रभु का नाम निकलने में संकोच हो रहा है। हम प्रभु का नाम लेने में इतने संकुचित हैं, तो बताइए प्रभु देने में संकोच करें तो फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब जीव परमात्मा को पुकारता है तभी परमेश्वर भी परमात्मा भी तभी देने के लिए समर्थ होते हैं। तो आज इस जय कृष्णी मंदिर अमृतसर का 56वां वार्षिक महोत्सव और उसी में उपस्थित सभी संत महंत तपस्विनी भाइयां और भक्त जनता और इसी धर्म सभा के सभाध्यक्ष परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री बड़े बाबा जी और उसी तरह से ही औरंगाबाद से पधारे हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री बड़े भाई जी और सभी उपस्थित संत महंत तपस्विनी भाइयां और भक्त जनता। भगवान एक बात कहते हैं कि जीव को अगर जीव चाहे मुझसे कुछ प्राप्त करना तो उसे एक काम करना होगा। और कौन सा ऐसा जीव है जो परमात्मा से कुछ चाहता नहीं है? जो कुछ चाहता नहीं है वो हाथ ऊपर खड़ा करे, मेरे को पता लग जाएगी ये चाहता नहीं है कुछ। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परमात्मा से कुछ चाहता नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोह जबही पाप सिंधु अघना संहुत बही कि जीव जब
जब तक मेरे सन्मुख नहीं होता तब तक मैं इसके पाप कर्मों का क्षालन नहीं कर सकता। जब ये जीव परमात्मा के चरणों में सन्मुख होगा तभी परमात्मा भी इसका पाप सिंधु अग जो नाश करेंगे। इसलिए हमें अगर अपना पापों से हम दूर होना चाहते हैं अगर, तो हमें परमात्मा के सन्मुख होना चाहिए, हमें परमात्मा के नजदीक होना चाहिए, सन्मुख होना चाहिए। तो इसलिए अगर परमात्मा चाहे तो भी जीव अगर सन्मुख नहीं है तो परमात्मा अगर देना चाहे तो भी दे नहीं सकते। महाभारत का काल है और वहां पर एक बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त तो हो गया तब युधिष्ठिर जो है वो राजा बन गए, और राजा बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने कक्ष में जा रहे हैं तो रात के समय युधिष्ठिर जो है उनके कक्ष में से रोने की आवाज आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर रो रहा है और अंतर्यामी प्रभु ने ये जान लिया कि ये क्यों रो रहा है। भगवान ने अपने मस्तक पर हाथ रखा और भगवान ने कहा कि जो मोह अर्जुन को युद्ध से पहले हुआ वही मोह युधिष्ठिर को युद्ध के बाद हो गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर के मन में ये बात आ गई कि हमारा पितृअर्पण कौन करेगा, जिस संबंधों के लिए आदमी सारा जीवन जीता है उन्हीं संबंधियों को हमने मार करके ये राज सिंहासन प्राप्त किया, तो मैंने क्या इस संसार में कमाया। उसको मोह हो गया, वो रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि जाऊं और इसे भी अर्जुन की तरह श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कर दूं, और श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दे करके इसका मोह नष्ट कर दूं। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही कक्ष में अंदर आने लगे भगवान के श्री चरण वहीं पर रुक गए। भगवान वहीं पर रुक गए क्यों? क्योंकि भगवान ने ये जान लिया कि युधिष्ठिर जो है ये मेरे को क्या समझता है, ये मेरे को अपना छोटा भाई समझता है। और जब तक मन में छोटा भाव है, जब तक ये भाव है कि ये मुझे क्या ज्ञान देगा, तब तक भगवान कहते हैं कि मैं चाहूं तो भी इसे ज्ञान नहीं दे सकता। और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर निमित्त किया जहां पर हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर महाराज कहते हैं कि एक प्रवृत्ति झाली तरी स्तंभा एकादे निमित्त करुणी गोली जेल। अगर हमारी इच्छा हो जाए तो भगवान कहते हैं हम किसी स्तंभ को भी किसी खंभे को भी निमित्त करके बुलवा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि इसे ज्ञान मेरे मुख से नहीं होगा, इसे ज्ञान कौन दे सकता है, इसे ज्ञान वो दे सकता है जिसे ये बड़ा समझता हो। और भगवान ने अपने मन में विचार कर लिया कि इसे ज्ञान भीष्म पितामह दे सकते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल के समय भगवान श्री कृष्ण उठे और सभी पांडवों को कहने लगे कि पांडवों सभी चलो, भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं, चलो भीष्म पितामह के पास जाते हैं। और सभी पांडव मिलकर के भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म जी, ये युधिष्ठिर जो है इसका मोह भंग हो जाए ऐसा आप कोई कार्य कीजिए। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे और भीष्म पितामह कहने लगे कि प्रभु आपके होते हुए मैं इसे क्या ज्ञान दे सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, इसे ज्ञान देने के लिए हम निमित्त तुम्हें करते हैं, बोलने वाले हम होंगे
करने वाले तुम होगे, तुम्हारे मुंह से हम बुलवाएंगे। तो जितने भी नीति वचन युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने बतलाए, वो भगवान श्री कृष्ण के ही माध्यम से भगवान ने युधिष्ठिर के मुंह से बुलवाए और युधिष्ठिर का मुंह भंग हुआ। और इसी के बीच में द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया कि भीष्म पितामह, आप अपनी इतनी नीति की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजा को किसी भी प्रकार का जुर्म ना तो सहना चाहिए और ना ही करना चाहिए, तो आप बताइए, आप उस समय वहीं पर तो थे जिस समय मेरी लाश जा रही थी, उस समय आप क्यों नहीं बोले? भीष्म पितामह द्रौपदी को कहते हैं कि द्रौपदी, उस समय मैं भोजन किनका कर रहा था? भोजन कर रहा था दुर्योधन का। और यथा अन्न तथा मन, जैसा आदमी अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। भगवान भीष्म पितामह कहते हैं कि उस समय मैं दुर्योधन के अंकुश में था, इसी वजह से मैं उस समय कुछ बोल नहीं सका। अब इस समय मेरा सारा जो रक्त है वो निकल चुका, अब मैं जो बोल रहा हूँ वही सही में नीति बोल रहा हूँ। तो द्रौपदी को भी भीष्म पितामह ने आश्वासित किया। कहने का तात्पर्य ये कि हम सभी भगवान के सन्मुख हों, जब तक भगवान के सन्मुख होकर के भगवान के कथाओं का हम श्रवण नहीं करते, तब तक हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं हो सकता, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर हम जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम श्रवण करने की जो आदत है वो डाल लेनी चाहिए, सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, ना कि सुनाने की। हमारे में फजीती ये है कि हम सुनाने में ज्यादा इच्छुक हैं, सुनने में बहुत कम। इतने बड़े बड़े संत यहाँ पर आकर के आप सभी को संबोधित कर रहे हैं और हम अपनी बातों में लीन हैं। पता नहीं कौन से रिश्तेदारियां कौन सी कहां की कहां निकाल रहे हैं। ये सभी बातें भगवान के रास्ते में आने वाले कंकर हैं, इन कंकरों को दूर कीजिए और श्रवण करने की आदत डालिए। जब श्रवण करने की आदत डालोगे तब आपके मन में परिवर्तन होगा। यही कहते हुए कि हमारा मन परमात्मा के श्री चरणों में लगे, यही सदिच्छा के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हमारे दक्षिणाचार्य श्री सागर मुनि दादा जी को भी बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम की। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की धन्यवाद बाबा जी। तो आगे मैं बताना चाहूंगा कि पंजाबी और किसी प्रकार सारी बार श्री कृष्ण आश्रम सारी राय जी पंजाबी निर्मला बाबू जी पंजाबी, आप दोनों से निवेदन है
हम। तो इस ज्ञान सत्र की माला के अगले फूल आदरणीय आचार्य प्रवर श्री नांदेड़ बाबा चलता रहे तो परमात्मा का नाम स्मरण करने में याद करने में कंजूसी क्यों हो रही है। तो एक बार जोरदार श्री दत्तात्रेय महाराज जी के नाम की घोषणा कर जय घोष करें हम। श्री दत्तात्रेय उपस्थित इस श्री कृष्ण मंदिर जो पासी अमृतसर का 56वां वार्षिक महोत्सव एवं संत सम्मेलन आज बड़े धूमधाम से अमृतसर शहर में संपन्न होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में इस धर्मसभा को संबोधित करने के लिए आए हुए महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत के सभी ज्ञानी और इस ज्ञान सत्र के अध्यक्ष परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर से तरणगांव निवासी परम पूजनीय पट्टाधिष्ठित महंत श्री रहरकर बाबा जी, इस सभी कार्यक्रम के कार्याध्यक्ष परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आए हुए आचार्य प्रवर महंत श्री नागराज बाबा जी एवं अत्याबाई जी और मंच पर उपस्थित सभी ज्ञानीजन और इस कार्यक्रम को आए हुए अपने उपस्थिति लगाई है ऐसे उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र से सभी संतगण तपस्विनी भाइयां और सद्भक्त मंडल, आज यहाँ बड़ी खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ इस मंदिर का जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, इस उत्सव के पीछे कारण जो है वो कि सभी संतों को सद्भक्तों को इकट्ठा किया जाए और आए हुए ज्ञानियों के द्वारा भक्तों को कुछ ज्ञान की बातें सुनाए। भाई और बहनों, हर एक कार्यक्रम के पीछे कार्य के पीछे कोई एक कारण होता है। तो हमारा जो जय कृष्ण संप्रदाय इस उत्तर भारत में कैसे आया इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। मैं यहाँ आपको विदित करना चाहता हूँ जो हमारे पूर्वज महाराष्ट्र से उत्तर भारत की तरफ आए और उत्तर भारत में आकर उस परिस्थितियों में बड़ी कठिनाई से उन्होंने ये जय कृष्ण संप्रदाय यानी कि महानुभाव संप्रदाय का झंडा यहाँ तक लाया है, उसके पीछे भी ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर की प्रेरणा वगैरह कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आज भी जो यहाँ कार्य संपन्न होने जा रहा है उसके पीछे भी ईश्वर की एक प्रेरणा है, वो उसका एक कारण लग रहा है। जब हम लोगों ने यहाँ देखा उत्तर भारत में 2007 में हमारे सर्व के प्रतिष्ठान की पदयात्रा जो बटाला से आरंभ हुई थी, उस पदयात्रा का आगमन इस अमृतसर शहर में हुआ था। तो इस मंदिर के संचालक परम पूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय आज मैं जिस गद्दी पर बैठा हूँ उस गद्दी के वो भाई गांधी थे आचार्य प्रवर श्री आराध्य संतराज बाबा जी। और इस यहाँ उत्तर भारत के
जितने शहरों में यह पदयात्रा गई, बटाला से आरंभ हुई पदयात्रा, बटाला जालंधर, अमृतसर, कपूरथला, भगवाड़ा, बंगा, नवाशहर, बलाचौर, करण, रोपर होकर यह पदयात्रा चंडीगढ़ पहुंची। तब हमने देखा कि इस प्रांत में जितने भाव भक्त लोग हैं, इनके भाव में कितनी श्रद्धा और भक्ति है। लेकिन उस श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया वो संत, उनका मैं क्या बखान करूं, उनके उपकार आज के समाज के ऊपर है। उस समय की जो परिस्थितियां थी, आज तो बहुत सारी सुविधा हुई है। कल हम पुणे में थे, आज अमृतसर में पहुंच गए। 3 घंटे के भीतर हम महाराष्ट्र से उत्तर भारत के किसी कोने कोने में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस समय की बात, अभी हमारे ज्येष्ठ विद्यागुरु बंधु जिन्होंने उत्तर भारत के मंदिरों का इतिहास लिखा है, इसका विमोचन दिल्ली के श्री सावली मंदिर में हुआ है, उन्होंने आप इतनी कहानी बताई है कि जब मैं पढ़ाई के लिए यहाँ था, इस हालत में मैं सफर करता था, आज तो बहुत सारी सुविधा हो। तो भाइयों और बहनों, आज हम इतने सुख सुविधाओं में पड़े हैं, सबको सुख की जरूरत पड़ी है, लेकिन तुम कोई नहीं चाहता। लेकिन एक याद आती है, जैसे कि महाभारत का एक प्रसंग है, पांचों पांडवों के साथ भगवान गोपाल कृष्ण बैठे हैं और भगवान गोपाल कृष्ण की जो बुआ है उनकी माता भी साथ बैठी है। बैठे बैठे वार्तालाप चल रहा है और उतने में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कुंती को पूछते हैं, बुआ कुछ तो मांगो। कुछ तो मांगो कहने के बाद कुंती ने क्या मांगा आप सबको पता होगा या किसी को पता नहीं होगा, क्या मांगा था उसने कुंती ने? अरे श्री कृष्ण भगवान, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी दे देना, मेरे बेटी को ऐसा जॉब लगना चाहिए, मेरा बेटा विदेश जाकर बड़े बड़े कंपनियों का मालिक बन जाए और हमें भी इतनी बड़ी बड़ी कोठियां मिले, ऐसा ही कहा होगा ना? क्या कहा हमारे मन की पूरी करने का संकल्प बताया। लेकिन कुंती माता ने क्या मांगा था? कुंती माता कहती कि कन्हैया, अगर तू मेरे ऊपर प्रसन्न हुआ है, तू देना ही चाहता है, तो मुझे दुख दे। क्या मांगा उसने? दुख मांगा, सुख नहीं मांगा। आश्चर्यचकित होकर भगवान पूछते कि माता ये क्या बात है, अजीब से तूने मांगा है? अरे लोग सुख मांगते हैं मुझे और तू दुख मांग रही है। माता कुंती कहती कन्हैया आप ही कह रहे। लेकिन जब जब हमारे ऊपर पांडवों के ऊपर आपत्ति आई है, दुख आया, संकट आया, तब तूने तो सहायता की, तेरी याद की, तेरी सहायता की, कन्हैया मैं चाहती तो मैं जिंदगी भर दुख मांगना चाहती हूँ, ताकि दुख में तेरी याद आती है। किसी ज्ञानियों ने कहा है, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख का आएगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, मांगना भी आना चाहिए। मेरे विचारों को आगे नहीं मैं पढ़ाऊंगा, ताकि मुझे संचालक का मंच संचरण करने वाले का आदेश है कि चंग शब्दों में गागर में सागर के हिसाब से थोड़े ही समय में अपने शब्द रखना है। तो भाइयों और बहनों, सुख तो आपको मिलेगा ही, सुख आपको मिलेगा ही, लेकिन ईश्वर से जो मांगना जो अपनी भलाई के लिए मांगना है। हे भगवान, जब हमेशा तेरी याद रहेगी ऐसा मुझे दे देना, क्योंकि करने वाला तो वही है। इसने कहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा है।
आप निष्काम भाव से भक्ति करोगे तो सकाम फल भी आपको मिलेगा। तो यहाँ मुझे मेरे प्रिय गुरु भाई विद्या गुरु भाई जिन्होंने कई महीनों से पहले बोला था कि आत्मा से आपने आना है और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, तो उनकी सूचना के अनुसार मैं आज यहाँ आया हूँ और इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम को देखकर हम खुश हुए हैं। और ऐसे ही सेवा पूजनीय दर्शनाचार्य सागर मुनि जी से ईश्वर उनके द्वारा करते रहे और आगे धर्म को बढ़ाते रहें और भक्तजनों को ज्ञान देते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर रघुवीर नगर मंदिर के संचालक वो भी यहाँ आए हैं, तो वैसे मेरे नांदेड़कर परिवार की ओर से और सभी परिवार की ओर से मैं दादाजी को दर्शनाचार्य जी को शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके जितने भी सहयोगी उन सभीों को धन्यवाद देता हूँ। देखते हुए मैं आपके शब्दों को एक विराम देता हूँ। धन्यवाद बाबा जी। कृष्ण नाम ही आता है, किसी ने कहा हम सब के बीच में समाज सेवक सरदार कुलजीत ओजला एमपी उनकी माता श्री यहाँ पर पधार रही है, तो उनका भी यहाँ पर हम हार्दिक स्वागत करेंगे। मेरे सामने आकर दो मिनट कुछ अपना
सुझाव दो शब्द कहना चाहते हैं। माता जी ने विनती कितने की माता जी ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ
ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਧਰਮ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਊ ਬੱਚਾ ਸਵਾਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਜਗਾਈ ਆ ਪੋਥੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੈ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੋ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ऐसे हालात हैं इस
के नहीं दिया जा सकता। पहले तो आप लोग, ये ज्ञान सत्र हो रहा है, दूर दूर से आप देख रहे हैं कि एक-एक पढ़ के अपने पन के सर्वोच्च जो दर्जे के ज्ञानी ध्यानी है, विद्वान है, वो कट उठा के आए हुए हैं। हम तो फिर दिल्ली से गुड़गांव से आए हैं, लेकिन जब इतना पुरुषार्थ करके आप ही के दर्शनाचार्य सागर मुनि की जो हमारे प्रिय अनुज हैं, जिनके अनुरोध के ऊपर सब पधारे हैं, तो फिर अगर यहाँ पे ऐसे अव्यवस्था रहेगी तो फिर जाना बात किस तक पहुंचेगी। ज्ञान जो है वो अभी पावरी बात कर रहे थे कि मुख्य काम क्या है, श्रवण का। और श्रवण जो है तभी हो सकता है कि अगर आप शांति पूर्वक अपने कानों को इधर उधर की बातों अन्य वार्ता में ना लगाकर अगर आप एक तरफ ध्यान देंगे, श्रवण होगा तभी भीतर को जाएगा। नहीं तो जैसे स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि ऐसे लोग सुनने को आ जाते हैं धर्म में ज्ञान सुनने के नाम पर, के इधर से सुनते हैं कहां से निकाल देते हैं। तो कम से कम कानों के अंदर आने तो दीजिए इन शब्दों को, निकालना तो बात में है। तो ना कानों से एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालिए, ना कान के सुन के मुंह से निकालिए, थोड़ा हृदय में जो हमारे शरीर के सेंटर में हमारी हृदय तंत्री है, इस तंत्री में वो चीज जाएगी तो फिर उसी का मनन, उसी का चिंतन, उसी का निधि ध्यासन, उसी का अभ्यास हो पाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा शांति पूर्वक व्यवस्था पूर्वक इस कार्यक्रम को चलाइए। तो आज जयकृषि मंदिर चौपासिया अमृतसर, ये हमारे उत्तर भारत का, आप जानते हैं मैं तो अमृतसर वासी को क्या बताऊं, लेकिन जो दूर रहते थे हमारे ऐसे, पहले हम रावलपिंडी में रहते थे, फिर दिल्ली में रहने लगे, लेकिन अमृतसर जो है हमारे धर्म का एक केंद्र बना रहा। अमृतसर धर्म का केंद्र इसलिए भी बना रहा कि वहां से हमको पहला चक्र चरित्र हिंदी का, ठीक है उस समय की भाषा के अनुसार है वो, और लीला चरित्र हमको पढ़ने को मिला। वहां से ही प्रेमी जी, बेजर जी, उनकी आरतियां, भजन चालीसे सुनने को मिले और घर घर में चालीसे प्रसिद्ध हुए। मेरे को याद है कि बचपन में हमको एक चीज सबसे ज्यादा जो करवाई जाती थी, लोक पूजा के बाद सब पंजाबी घरों में, पंजाब में भी, दिल्ली भी पंजाब का एक शायद धर्म के लिहाज से है ना, तो नाग लीला वो जो है वो उसको उसका उस सारा परिवार जब तक उच्चारण ना करे तब तक वो पूजा समझो ढंग से पूरी नहीं हुई। दस दोहे और नागलीला ये हमारी पूजा का एक अभिन्न अंग था। एक समय पर हाथ के परम प्रेम का जोड़ ये तेरा कार्य ना करे तो दही लावा मोड़, मीठी पंजाबी भाषा में ये चालीसे क्यों प्रसिद्ध हुए, ये नागलीला क्यों प्रसिद्ध हुई, ये दोहे क्यों प्रसिद्ध हुए, इसीलिए इनके साथ हमारी पंजाबी भाषा जुड़ी लगी और सबके दिल को छूने वाली भाषा। तो आज वही मंदिर से जयकृष्णिया चौपासिया अमृतसर का जो है ना 56वां वार्षिक उत्सव हो रहा है और उस उत्सव के निमित्त जो संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष औरंगाबाद से पधारे परमादरणीय परम श्रद्धेय बड़ी भाई जी आपके सामने विराजमान है। ऐसी ये जो ज्ञान सत्र चल रहा है, इस ज्ञान सत्र के संचालक ज्ञान ज्येष्ठ भैरा के ज्येष्ठ आचार्य श्रेष्ठ हमारे तरफ काम से पधारे हुए आदरणीय बाबा जी, पहले जितने भी यहाँ पे अपने जैकेट बंधु बैठे हैं खड़े हैं वो सब मिलके पूरे हर्ष उल्लास के साथ
पांचों अवतारों का जयकारा बोलेंगे, पूरे दिल से बोलना आपने। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणी महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वार्थ श्री चक्र स्वामी की जय। बहुत अच्छा लगा आदरणीय शास्त्री जी, दशाचार्य श्री सागर मुनि शास्त्री जी, कि आपने धर्म के साथ साथ समाज के साथ भी, जो इतर समाज है उसके साथ भी आपने अपने अच्छे संबंध रखे हुए हैं, क्योंकि आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमको थोड़ा उदारवादी होकर, थोड़ा खुलकर, क्योंकि जो समाज के दूसरे पक्ष हैं उनके साथ भी मिलजुल कर उनको बैठ कर अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, तो मेरे को खुशी आई बात है। बस ये था कि आपने मेरे को 10 मिनट 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, तो थोड़ी सी मैं छूट ले लूंगा आपसे। तो बड़ा अच्छा, आप सबको बहुत बहुत बधाई, अमृतसर वासियों को और शास्त्री जी को, उनके साथ उनके जगराओं से आए हुए धर्मबंधु जी और सबसे प्रमुख जो उनके गुरु जी बैठे कपूरथला वाले, उनके लिए विशेष तौर पर कर्तव्य, ये उन्हीं का प्रताप है कि उनके शिष्य देखो महाराष्ट्र में जाके बाबोरी से शिक्षा प्राप्त की, संवत्सर जाके वहाँ शिक्षा प्राप्त की, और आज अपने बलबूते के ऊपर उस गति पर जहाँ बड़े बड़े आदरणीय शिक्षा वाले वासी गुरुधर शास्त्री जी, अराधे बाबा जी पुराने गोपाल मुनि जी, जो सारे उत्तर भारत में अपने व्याख्यानों से, भजनों से, आरतियों से, चालीसों से, चौपाइयों से, जिन्होंने सारे उत्तर भारत में अपनी छाप बनाए रखी आधुनिक गति के ऊपर, जो के शिष्य जो है दशराचार्य जी बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं, और भाई आपका जो है ये आपका उनके आशीर्वचन शुभ चिंतन ये है, और उसी वजह से ये नाव आगे चल रही है, ज्ञान की नाव, धर्म की नाव। अब समय का ऐसा है कि 2 मिनट में बात करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि बोलने वाले उसका बहुत समय बहुत होता है। मैं सिर्फ एक बात जो मन में सोची, मन में आ रही है कि परमेश्वर ने ये संसार की रचना की है, सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की, और ये उनकी प्रवृत्ति थी कि ये जो जीव है अंधकार में बैठे हैं, इन जीवों को उजाले में लाया जाए, तो परमेश्वर की प्रवृत्ति से ये सृष्टि बनी और हम जीव जो है अंधकार से उजाले में आए। वो परमेश्वर स्वयं भी निराकार है, अमूर्त है, उनको नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन उनके भीतर जो ना कृपा भाव है, कृपालुता है, उदारता है, दया माया कृपा करुणा मानते हैं, ये परमेश्वर के अंदर जो गुण है, तो उसी के कारण उन्होंने सृष्टि की रचना की और हम जीवों को लेकर आए, और स्वयं भी निराकार से साकार हुए, जैसे कि भगवान जी के द्वापर युग में हुए, ऐसे त्रेता युग में श्री दत्तात्रेय महाराज जी हुए, ऐसे कलयुग में अपना सदन के श्री चक्रधर महाराज जी का प्रमुखता जो है अवतार हुआ। तो वो जो अवतार होता है तो परमेश्वर आते हैं, वो जीवों का भला चाहते हैं, लेकिन वो भला करते किस तरीके से है, थोड़ा सा समय देंगे तो बड़ी मोटी बात थोड़े शब्दों में सुनेंगे, समझ लीजिए, ज्यादा नहीं बोलेंगे। वो परमेश्वर अपना जो है कार्य किस तरह करते हैं, वो परमेश्वर अपना कार्य दो तरीके से करते हैं, अर्थात जीवों को वो दो साधन प्रदान करते हैं कि जीव तेरे को इस संसार में ले तो आए, अब तूने इन दो साधनों के द्वारा अपना भला करने पुरुषार्थ करना है, बाकी तो वही करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो कर। तो ईश्वर क्या दो चीजें देते हैं इंसान को, ईश्वर सबसे पहले प्रकट होते हैं, प्रा लेते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हुए, तो उन्होंने अपना ज्ञान जो है श्रीमद भगवद गीता रूपी ज्ञान, जो अनमोल ज्ञान है, विश्व प्रसिद्ध ज्ञान है, 5.5 हजार साल हो गए, आज वो ज्ञान वैसा का वैसा ही सारे विश्व में पढ़ा जाता है,
उसका अर्थ जानने का आज भी ज्ञानी से ज्ञानी प्रयास करते हैं, एक नए अर्थ निकलते हैं और संसार की हर भाषा में ये गीता शास्त्र मिलता है और पढ़ने वाले जिज्ञासु हैं जो पढ़ते हैं उसका मनन चिंतन करते हैं। तो परमेश्वर एक तो देते हैं ज्ञान, दूसरा परमेश्वर क्या करते हैं जीव के लिए, जीव के भले के लिए उसके भीतर उसके हृदय में वो भक्ति का भाव भरते हैं। भक्ति का भाव भरते हैं मतलब अपना प्रेम दान देते हैं। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर की तरफ से जीवों को साधन के रूप में दिया जाता है और उस प्रेम को पाने के बाद परमेश्वर की भक्ति जाग उठती है जीव में और उस प्रेम को पाने के बाद जीव उस रास्ते पे चलने को अग्रसर हो जाता है। तो ये दो साधन है, ज्ञान और प्रेम भक्ति भाव, ये परमेश्वर की कृपा है जीवों पर। अब जो छोटा सा प्रश्न है हमारे सामने, छोटा सा प्रश्न ये है कि बदले में जीव क्या देता है उनको। देखो ये कर्तव्य बनता है कि अगर हमसे हम इसके झोली में कुछ लेते हैं तो और कुछ नहीं आशीर्वाद देते हैं, मान लो कुछ है नहीं अपने पास तो आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन देते हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि हमने ईश्वर से ज्ञान और प्रेम तो लिया बड़ी खुशी के साथ, आज भी हम यही कहते हैं परमेश्वर ज्ञान देते हैं प्रेम देते हैं, लेकिन बदले में जीव क्या देता है, ये तो देना बनता है भाई हमारा। आप ये हमारा धर्म का कर्तव्य है कुछ देना चाहिए, हम क्या देते हैं। हमने अपने आप को बड़ा संकुचित कर रखा है, हमारी सोच है ना बड़ी संकुचित है, बड़ी दबी हुई है। हम क्या देते हैं, हम बीड़ा चढ़ाते हैं, फल फूल दिया चढ़ा दिया, जेब में 500, 100, 200, 250 का नोट है तो वाजी को द्रव्य अर्पण कर दिया। तो हम परमेश्वर को उसके बदले में क्या देते हैं, हम देते हैं प्रपंच या द्रव्य दौलत जिनका है कुल की पात्र है या दान जो भी दान किया हमें भोजन में दो वस्त्र में दो औषधि में दो किसी में दो द्रव्य से हम यही देते हैं और सोचते हैं कृपा तू अपना काम किया मैं अपना ही काम किया मैं के समझे चढ़ाई करता हूँ। मेरे को एक बात, जिस बात की मैंने शुरू में कहा आपको कि परमेश्वर सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, अर्थात वो दो चीजों से ऊपर है, एक किस चीज से ऊपर है परमेश्वर, वो परपंच से ऊपर है, परपंच देवताओं तक के है ना माया तक का है सारा के, परमेश्वर तो उचित पर बोलते हैं माया को, माया से भी ऊपर है। तो हम ईश्वर को द्रव्य दे रहे हैं, परपंच दे रहे हैं, वो परपंच उसको दे रहे हैं जो निष्प्रपंचिक है, जो जिसके लिए प्रपंच का कोई काम नहीं है। तो हमने आपको ये देख के हम सोचे ऐसी बड़ा बड़ा काम करता है, ऐसी अड्डा दान दिया है, ऐसी अड्डा फोन कर देता है, ठीक है आपने किया और कोई भी क्रिया वाया नहीं जाती, हर क्रिया का लाभ होता है, लेकिन क्या हम ईश्वर का एहसान चुका सकते हैं कुछ चंद सिक्कों से, द्रव्य से या प्रपंच से, नहीं। तो जैसे परमेश्वर ने हमको दो साधन दिए ज्ञान और प्रेम, ऐसे हमको भी दो उपाय करने चाहिए अपनी तरफ से, तब जाके हम उसके बराबर तो नहीं हो सकते कभी भी, लेकिन कम से कम उधर से एक लाइन आ जाए, उधर से भी एक लाइन जाए, छोटी जाए वो बड़ी लाइन जा रही है, हमें छोटी लाइन जाए। तो हमें दो काम करने चाहिए जो आवश्यक है, एक हम परमेश्वर का नाम स्मरण करें, परमेश्वर के प्रति हमने उसके एहसान को उसके ज्ञान को उसके उसकी प्रवृत्ति से जो इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया उसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमको उनका बदले में क्या करना है, नाम स्मरण करना है। स्वामी जी ने भी नाम स्मरण का बहुत महत्व बताया, मतलब है कि वेद से लेके वेद से शुरू करते हुए प्राप्ति तक सहायता तक जो होनी है वो परमेश्वर की किससे होनी है,
नाम से हमेशा का नाम का स्मरण, और उस नाम स्मरण का भी सबसे उत्तम समय कौन सा माना गया? अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3 से 6, जिनको हमारे स्वामी जी पाश्चात सार्वत काल बोलते हैं। तो हमने अगर कुछ करना है परमेश्वर के लिए, तो भगत जनता जो बैठे हैं वो समझे इस बात को, इसको इस गुण को पकड़ लें कि हम नाम स्मरण करें, मिलेगा तो बताएंगे। दूसरा काम जो हमको करना चाहिए परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर के लिए, वो है उनका सेवा करना। मन से, तन से, धन से, किस तरह हो, धन छोड़ो, देखो जब हम बोलते ना तन मन और धन, धन सबसे आखिर में आता है, धन का वो महत्व नहीं है, तो तन का है, शरीर से कष्ट उठाकर परमेश्वर के लिए कोई सेवा दास्य का काम करना। जब हम परमेश्वर के लिए कोई सेवा दास्य का काम करते हैं, वो समझिए परमेश्वर जनों को पुकार करते हैं, वो की सेवा दास्य में क्या जुड़ा हुआ है, धन नहीं, धन को अभी साइड कर रहे हैं, धन और मन की बात हुई है, तो धन और मन से भी मन में, तो उसमें भाव आया, हमारे मन में भाव चलता है ना, तब हम कहते हैं कि तुम सेवा से करिए, तो भाव जो है परमेश्वर स्वीकार करते हैं। और हमको सेवा, सेवा का मतलब होता है शरीर की सेवा, उनके चरण दबाना, उनको उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, अगर परमेश्वर उतार या उनका परिवार उपस्थित है, तो शारीरिक सेवा उनकी करना, उनके शयन का, उनके विश्राम का, उनके दर्पण का, उनके बैठने का, उठने का, परमेश्वर के रहना उनका, और एक मतलब दास्य है, सेवा से बढ़ के है दास्य, दास्य मतलब बाहर का व्यापार करना, भाई मंदिर के लिए गर्म छपवाने हैं, मंदिर के लिए फल फूल लाने हैं, धूप अगरबत्ती लानी है, सामान लाना है, तो जो बाजार से बाहर से बाहर का जो व्यापार आप करोगे वो है दास्य। तो परमेश्वर का हम कभी भी छुटा नहीं कर सकते, लेकिन सेवा मन से, तन से, दास्य उनका करना, वो करना हमारा जो है धर्म है। लेकिन एक बात और भी जोड़ लीजिए, एक होती सेवा, एक हो गया दास्य, और एक बड़ी महत्व की चीज है, तो सेवा किसको बोलते हैं कि मैंने इनको कहा भाई पानी का गिलास दीजिए है, और आपने पानी का गिलास में उठा के दे दिया, तो ये आपने क्या किया, सेवा मैंने कहा आपको का अनुपालन किया, ये सेवा है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें कहा नहीं जाता, आपको खुद ही लगा कि इस समय गुरु जी को पानी की आवश्यकता है, इस समय गुरु जी थके हुए हैं, उनको बैठने की जरूरत है, उनके लिए भोजन का प्रबंध करो, उन्होंने नहीं कहा। तो एक उनके तत्परता, तत्परता में क्या है कि आपके अंदर फीलिंग आ रही है कि मेरे को कुछ ना कुछ सेवा करनी ही चाहिए, उन्होंने मांगी नहीं है, मांगी तो सेवा, नहीं मांगी तो तत्परता। स्वामी जी के समय भंडारे का नाम का एक हुआ बहुत उज्ज्वल, जो कि स्वामी कहा कि 16 साल तक वो हमारी सेवा में रहे, लेकिन उनकी सेवा क्या थी, तत्परता थी, उन्हें पता लग जाता था भगवान जी को इस समय क्या जरूरत है। एक बात सुनिए आप, लास्ट बात क्या कि मैं काम समाप्त कर रहा हूँ, मेरे को एक बात बताइए कि 16 साल तक वो पात्र एक दूसरे के साथ हैं, ईश्वर पात्र है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, जो मैंने देख लिया उसको माइक पे बैन देना बोलने के लिए, प्लीज शांत हो जाइए। 16 साल तक एक ज्ञानी पात्र एक सेवा भाव से भंडारे कर स्वामी जी के संग रहे, और कहते हैं कि एक बार भी सुन लीजिए हमारा, हम क्या करते हैं सेवा, हम तो दिखावा करते हैं, भाव ही नहीं होता उसमें। 16 साल तक वो रहे और एक बार भी ऐसा प्रसंग नहीं आया तो उन्होंने अपनी पीठ भगवान जी को दिखाई हो, स्वामी स्वयं अपने श्री मुख से प्रशंसा कर रहे हैं कि अरे लाख देव तुम तो सेवा कर रहे हो, भाई बट तुम भी करते हो ना, तो वाह, लेकिन जो सेवा वो तत्परता, इसलिए आप तत्पर रहो, ये मत कहो कि बाबा जी कहेंगे तो ताज मंदिर आवागे, बाबा जी बुलाएंगे
कीर्तन है आज पूजा करांगे, अपने भीतर भी मन होना चाहिए कि भाई जो है चार दिन होकर मैं मंदिर ही नहीं गई। वो अपने आप मन के भीतर भाव सेवा का दर्शन का इसी तरह से मेरे हाथ में क्रिया घट जाए। ओ यार ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है भाव जी, आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक है। सारी अमृतसर की जनता को आपको भी बहुत बहुत मुबारक। यहाँ लिखा है 56वां, आप जो जैकी बैठे हैं उनको पता कि 56 का क्या महत्व होता है। छपनी, ये छपनी है बाबा जी, ये छपनी होता है कितने पकड़ो आदमी बख्शना। छपनी जो है हमारे अपने अपने जैकी धर्म में परंपरा बन गई है। 56 साल होते होते अपना जन्म जो है भगवान जी के अर्पण करना है। कोई ऐसा पात्र, कोई ऐसा पात्र है जो छपनी का, जो छपनी का आज बड़े अधिकारियों के सामने मन में ले कि छपनी होते मैं इधर आ जाऊंगा। अरे बड़ा महत्व का मौका है, अगर सारी सोचे पहले हृदय पे चलो। मेरा मन का कहने का आपको क्या दिया दरबार श्री चक्र धन्यवाद बाबा जी।